दोस्तों आज देखेंगे एथिलीन की हाइपोक्लोरस एसिड से रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एथिलीन, हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथिलीन की हाइपोक्लोरस एसिड से रिएक्शन, ठीक है, HClO, ठीक, इसकी रिएक्शन। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एथिलीन को C2H4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हाइपोक्लोरस एसिड को हम कैसे लिख सकते हैं, OHCl, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन तो यहां चला जाएगा ऐसे, अब एक तो दूसरा क्लोरीन वाला पोर्शन यहां आ जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन यहां सेम है तो क्लोरीन भी वहां जा सकता है, OH भी वहां जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखेंगे अब ये क्या हो जाएगा, CH2 Cl, CH2 Cl भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, CH2OH और CH2 Cl। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसमें रिएक्शन में क्या समझने की कोशिश करते हैं, ये तो सीधे सीधे OH यहां पर चला गया और Cl नीचे आ गया, ये और ये यहां पर जो डबल बॉन्ड है यहां सिंगल बॉन्ड कैसे रह गया, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इसको हम थोड़ा इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, सेम चीज को ऐसे लिख लेते हैं, CH सिंगल बॉन्ड CH और CH। अब हमने ऐसे लिख लिया इसको तो ये क्या अभी गलत लिखा हुआ है, और गलत कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी हमने ऐसे डबल बॉन्ड है तो अभी भी ये C2H4 ही है, दो कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, लेकिन क्या है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर हमको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड क्यों लगाना पड़ेगा वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको देखिए ये OHCl HClO कह लो, OHCl कह लो, इसको ऐसे भी लिख लो, ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे जाएंगे नहीं फिलहाल, ठीक है ना। ये देखिए मैं असल में बाउंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बाउंड का क्या चक्कर है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको देखिए ऐसे करके लिख लेंगे, ये दो कार्बन है, ये दो कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, ठीक है, और एक ये O है और ये H है, एक H ये है और ये Cl है और ये H है, ठीक है। अब यहां से समझने की कोशिश करेंगे, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, दो होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी होती है एक होती है, ठीक है। और अब देखिए अब यहां से थोड़ा सा देखेंगे, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, छह होता है, और इसके बाहर और इसकी पहली सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर वाली सेल में कितने, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कार्बन होता है, कार्बन होता है, कार्बन के जो इसमें कितना, पहली सेल में दो इलेक्ट्रॉन है और दूसरी सेल में कितने, चार इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें कितने, बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है। अब अष्टक नियम के अनुसार इसको कितना इलेक्ट्रॉन करना है, आठ इलेक्ट्रॉन करना है, और इसको चाहिए कितने, चार इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ठीक है। और चार इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, चार, इसकी वैलेंसी चार होती है, इसीलिए इसमें क्या, चार बॉन्ड होते हैं, एक दो तीन चार। यहां पर भी देख लो कार्बन, एक दो तीन चार, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आठ होता है। इसकी पहली वाली सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी वाली सेल में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की
पहली वाली सेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरी वाली सेल में कितने, छह इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इसके बाहर वाली सेल में छह इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली सेल में कितने, छह इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए आठ इलेक्ट्रॉन और इसको करना कितना, आठ इलेक्ट्रॉन करना है, तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉनों को चाहिए, दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसको दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो इसकी वैलेंसी होती है दो। और इसमें बॉन्ड कितने बॉन्डों से जुड़ा होता है, दो बॉन्डों से जुड़ा होता है, ये देखिए दो बॉन्ड इससे लगे रहते हैं, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर दो बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वन होता है। इसके बाहर वाली सेल में कितना, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक नियम के अनुसार हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में मैक्सिमम कितने, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है, और इसीलिए हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसीलिए कितना, हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब आ जाते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इसकी पहली सेल में कितने, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में आठ होते हैं, तीसरी में सात होते हैं। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन की पहली वाली सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरी वाली में आठ होते हैं और तीसरी वाली में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात इलेक्ट्रॉन है। इसके बाहर वाली सेल में कितने, सात इलेक्ट्रॉन है। अब इसको चाहिए कितने, करना कितना, आठ इलेक्ट्रॉन करना है। आठ इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, एक, इसलिए कितने बॉन्ड से जुड़ा रहता है, एक बॉन्ड से। अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये कार्बन हो गया, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये कार्बन है, इसके भी बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन करना है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, तो एक ही बॉन्ड बन पाएगा और एक ही से करेगा ये देखिए, इसलिए इसमें एक बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, चार, चार इसके पास थे, ठीक है, चार इसके पास थे, दो हाइड्रोजन के हो गए, तो टोटल इसके पास हो गए छह हो गए। अब इसे करना कितने हैं, जरूरत कितने इलेक्ट्रॉनों की, दो इलेक्ट्रॉनों की और है। कितने इलेक्ट्रॉन करने के लिए, आठ इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो ये इस कार्बन से पहले अगर एक से कार्बन से कर लेगा, तो पहले इसमें छह थे, एक से इस वाले कार से कर लिया तो छह की जगह सात हो गए, ठीक है। अब और इसे करना कितना, आठ। जब ऐसे करके ये डबल बॉन्ड बना लेगा ये, ठीक है ना, तो तब इसमें आठ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम यहाँ पर डबल की जगह सिंगल बॉन्ड कर देंगे तो ये क्यों गलत होगा, तो यहां से आपको समझना पड़ेगा क्यों गलत होगा। यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए ये सिंगल बॉन्ड क्यों गलत है और डबल बॉन्ड क्यों सही है, ठीक है। तो और सेम कंडीशन इसमें भी लागू हो जाएगी। इस कार्बन के पास में चार इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, चार इसके खुद के हो गए, दो इन हाइड्रोजन से हो गए और दो इन कार्बन से हो गए। ये दो कार्बन के हैं और ये दो हाइड्रोजन के हैं और ये दो इस वाले कार्बन के हैं, तो टोटल कितने, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ये कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं, ठीक है। इनको इलेक्ट्रॉनों को कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं तो यहाँ समझाने में आसानी रहेगी। अब ये हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस कार्बन के बाहर वाली सेल में चार इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये ऑक्सीजन है, इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आठ होता है, इसके बाहर वाली सेल में छह इलेक्ट्रॉन होंगे, दो दो चार और दो छह, ठीक है। और ये कितना हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितना, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये क्या क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर वाली सेल में कितने, सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो तीन चार पांच छह और सात, बाहर वाली सेल में कितने, सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए पहले हाइड्रोजन का देख लेते हैं, अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन इधर लिख दे रहे हैं, ऐसे करके
ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये देखिए ये वो अलग है, ये अलग है। अब ये क्या है, ये इससे साझा कर लेगा, हाइड्रोजन क्या मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन से ही साझा करता है क्योंकि उसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ऐसे करके ये कर लिया। अब बच्चा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या है, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब ऑक्सीजन ने एक से इधर साझा कर लिया, अभी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के पास कितने थे, सात थे, एक हाइड्रोजन वाला ले लिया तो कितने वो ऑक्सीजन के पास कितने थे, छह थे, एक ऑक्सीजन वाला ले लिया तो कितने हो गए, एक हाइड्रोजन वाला ले लिया तो कितने हो गए, सात हो गए, और एक कार्बन वाला मिला के कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास आठ हो गए, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है तो देखो दो बॉन्ड हो गए। अब इस कार्बन के पास में कितने हैं, इस कार्बन के पास में कितने हैं, कार्बन के खुद के कितने हैं, चार, ठीक है, कार्बन के खुद के कितने और हाइड्रोजन के कितने हो गए, दो हो गए, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, एक हो गया, तो चार दो छह और टोटल ये कितने हो गए, सात इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो वो यहां से ले लेगा, ठीक है, तो एक कितना ले लिया इसने, कार्बन से ले लिया तो टोटल कितने हो गए, आठ हो गए, इसीलिए इसको और उससे साझा करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही रह गया। यहाँ पर क्या है, सेम कंडीशन, इसने इसने एक क्लोरीन से ले लिया, क्लोरीन के पास कितने, सात इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली सेल में और चाहिए कितना, आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए क्या है, आठ, इसने केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो यहाँ पर आठ हो गए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद। बाकी क्या है कि ये जो क्लोरीन को क्या, क्लोरीन की बैलेंसी एक रहती है, क्लोरीन की बैलेंसी एक रहती है, तो इसलिए केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, और एक क्यों रहती है, क्योंकि बाहर वाली सेल में सात इलेक्ट्रॉन है और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाकी आपको समझ में आना चाहिए कार्बन की बैलेंसी कितनी है, कार्बन की बैलेंसी चार है, चार क्यों है, क्योंकि इसके बाहर वाली सेल में चार इलेक्ट्रॉन है और इसको चार इलेक्ट्रॉन और चाहिए, चार इलेक्ट्रॉन और चाहिए, अष्टक नियम के अनुसार इसको बाहर वाली सेल में चार आठ इलेक्ट्रॉन करने हैं, आठ इलेक्ट्रॉन करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए इसकी बैलेंसी चार है, इसीलिए इससे चार बॉन्ड भी जुड़े होंगे। और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आठ होता है और ऑक्सीजन के बाहर वाली सेल में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अष्टक नियम के अनुसार आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसीलिए इसकी ऑक्सीजन की बैलेंसी दो होती है, ऑक्सीजन की बैलेंसी दो होती है, और ऑक्सीजन की बैलेंसी दो होती है तो इसमें दो बॉन्ड इससे जुड़े रहेंगे क्योंकि इसके बाहर वाली सेल में छह इलेक्ट्रॉन है और इसको दो इलेक्ट्रॉन केवल चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। सेम कंडीशन क्लोरीन में अप्लाई होती है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसके बाहर वाली सेल में सात इलेक्ट्रॉन है और इसको अष्टक नियम के अनुसार अपने बाहर वाली सेल में आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए इसकी बैलेंसी एक है और इसमें केवल एक अष्टक अपना अष्टक पूरा करने के लिए बाहर वाली सेल में आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए इसकी बैलेंसी बन है और ये एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन होता है और इसके बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अष्टक नियम के अनुसार इसमें बाहर वाली सेल में केवल दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, केवल एक इलेक्ट्रॉन से ही ये साझा कर सकती है और इसीलिए इसकी बैलेंसी कितनी होती है, एक होती है और ये एक ही बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और कैसे करके बॉन्डों का कॉम्बिनेशन रहता है या ये बॉन्ड उसके इलेक्ट्रॉन पर कैसे डिपेंड रहते हैं या उसके एटॉमिक नंबर पर कैसे डिपेंड रहते हैं, उसकी बाहर वाली सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कैसे निर्भर रहते हैं और उसकी बैलेंसी पर बैलेंसी का क्या रोल है, तो ये दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और धन्यवाद।